की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फ्रॉम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो हमारी इक्वेशंस हैं, इनसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की इक्वेशंस बनानी है और उनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रॉब्लम है हमारी, पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस जो है वो 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। तो फाइंड देम, उन नंबर को फाइंड करो, वो नंबर क्या है। तो हम लिखेंगे लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। हमने लेट किया कि वो दो नंबर एक्स और वाई है, वेयर, जहां पे एक नंबर एक्स जो है वो ग्रेटर है वाई से, एक नंबर जो एक्स है वो बड़ा है वाई से। अब उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 है। तो डिफरेंस में क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस, तो यानी कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। आपका वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। इसका मींस क्या हुआ कि यानी कि जो x है बड़ा नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम, यानी कि y में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3y हो जाएगा। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम इनको सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 को और 2 को, किस कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन से क्या करेंगे, x की वैल्यू को इन टर्म ऑफ y निकालेंगे, यानी कि x माइनस y इज इक्वल टू कितना हमारा 26 है। सो आई कैन राइट x इज इक्वल टू 26 प्लस y, इक्वेशन नंबर हमारी ये थर्ड हो जाएगी। अब क्या करना है, बाय इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से क्या करेंगे, पुट x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 से जो हमारी x की वैल्यू आई है 26 प्लस y, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। x के प्लेस पर क्या रखना है 26 प्लस y, पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और इस x के प्लेस पर रखना है हमें 26 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। माइनस 3y और y कितना हुआ, माइनस 2y इज इक्वल टू, ये जो 26 हमारा है इसको इक्वल टू से इधर लेके आएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 26, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, 2 से 26 को कैंसिल करेंगे इज इक्वल टू आपकी 13 आ जाएगी। y की वैल्यू हमारी 13 आ चुकी है। अब इस y को हम कहां पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में। देखो इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट करेंगे, सो वी गेट x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, x इज इक्वल टू 639 और 314, x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 49। सो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारे नंबर क्या है वो x और y हमने नंबर ऐड किए थे, तो एक नंबर हमारा 49 हो जाएगा, एक नंबर हमारा 49 और दूसरा नंबर हमारा 13, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, कितना समझ में आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए।